हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन की छाल के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। अर्जुन की छाल का प्रयोग हम औषधीय रूप में करते हैं। अपने आप को कई बीमारियों से बचाने के लिए हम अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, ऐसे ही कुछ उपयोगों के बारे में बताने के लिए मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और कई बीमारियों से हमें बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो आइए बिना किसी देर के आज जानते हैं अर्जुन की छाल के बारे में। नंबर वन है बुखार। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है तो आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल को पाउडर करके एक चम्मच में लेकर गुड़ के साथ मिलाकर अगर उसका सेवन किया जाए तो बुखार में जल्दी राहत मिलती है। टिप नंबर टू, यदि आग से जल गया हो तो भी आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किचन में काम कर रही हैं और आपके हाथ पर आग से कोई चोट लग गई है या फिर कोई घाव हो गया है, तो आप अर्जुन की छाल को पेस्ट बनाकर घाव पर लगा लीजिए। घाव में तुरंत आराम मिल जाएगा। नंबर थ्री, रक्त पित्त की बीमारी को दूर करने के लिए भी अर्जुन की छाल बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से रक्त पित्त में बहुत ही फायदा मिलता है। टिप नंबर फोर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। डेढ़ चम्मच अर्जुन की छाल के पाउडर को दो ग्लास पानी के साथ उबालकर उसका काढ़ा बना लीजिए और इस पानी को इतना पकाइए जो कि वो आधा रह जाए। रोजाना इस पानी का सेवन दिन में दो बार करने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। टिप नंबर फाइव, हड्डी टूट जाने पर भी आप कर सकते हैं अर्जुन की छाल का प्रयोग। मान लीजिए कि अगर आपको चोट लग गई है और आपकी हाथ की या फिर पैर की कोई हड्डी टूट गई है तो आप अर्जुन की छाल के पाउडर का प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से हड्डी जल्द ही जुड़ जाती है। साथ ही साथ आप अर्जुन की छाल का पाउडर बनाकर उसका लेप भी अपनी हड्डी पर कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थे अर्जुन की छाल के औषधीय गुण। इनका लाभ उठाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।